हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 3.2 थी, इससे पहले के कंसेप्ट बारीकी से सीखे थे, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें सीखी थी। वो क्या कि एक्स बराबर कोई भी अगर हम वैल्यू रखें तो उस पर बहुपद का मान ज्ञात करना। अगर बहुपद एक्स ही घात में दिया है तो एक्स बराबर हम वैल्यू रख के उसका मान ज्ञात करेंगे, और अगर बाई में रखा है, बहुपद अगर बाई में दिया है तो बाई बराबर वैल्यू रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे उस पर बहुपद का मान निकालेंगे। एक तो ये सीखा था, और दूसरा हमने जो कंसेप्ट सीखा था वो था बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। तो शून्यक के लिए भी मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद का शून्यक उस बहुपद में एक्स बराबर जो हम मान रखते हैं वो मान रखने पर अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए तो एक्स बराबर जो हमने वैल्यू रखी है वो उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। यानी कि जैसे अगर हमने एक्स बराबर 5 रख दिया किसी बहुपद में और उस बहुपद का मान 0 के बराबर आ गया, तो जो एक्स बराबर 5 है वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। ये दो नई चीज़ें हमने कल सीखी थी, और इन्हीं से इन्हीं के बेस पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं 3.2 के, उनको आज हम सॉल्व करेंगे एक एक करके कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें कहा गया है कि बहुपद 2x+3 -13x² +17x+12, इसके मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। यानी एक हमें बहुपद दिया है और उसके हमें मान निकालने हैं इन चार संख्याओं पर। कौन कौन सी संख्याएं हैं? x=2, x-3, x=0 और x-1। इन चार मानों पर इस बहुपद के मान हमें फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल्स की। किस पर? इन एक्स की वैल्यू पर। तो एक एक करके हम मान निकालेंगे। तो पहले हमने x=2 पर हम मान निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स लिख लिया। जो हमें बहुपद दिया है px, उसको हमने लिख लिया px=2x+3 -13x+2 +17x+12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हमें किस पर वैल्यू निकालनी है? x=2 पर। तो हमने जो समीकरण लिखा है उसमें हम x=2 रख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे? जो हमने समीकरण लिया है, समीकरण एक मैंने मान दे दिया इसको, तो समीकरण एक में x=2 रखने पर, तो जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है समीकरण में वहाँ पर हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? p और ब्रैकेट में 2 बराबर 2×2³, क्योंकि x की घात कितनी है? 3 है। -13×2², क्यों? क्योंकि 13×x² है, तो x² कीजिए क्या आ जाएगा? 2² +17×2+12। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2³ है, तो 2³ का मान कितना होता है? 2×2×2 यानी कि 8। क्या होता है 2³ का? 2×2×2 गुणा करने पर कितना आएगा? 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 आगे पहले से ही है, तो 2×8 हो जाएगा। ठीक है, -13×2
दो का स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, तो 3 × 4 हो जाएगा, प्लस 17 का गुणा किससे हो रहा है, 2 से। एक चीज़ और याद रखना, जैसे कोई संख्या बाहर दी है और उसके अंदर आपने कोई ब्रैकेट में संख्या लिख दी है, तो इसका मतलब ये होता है कि 17 का गुणा किससे हो रहा है, अंदर वाली संख्या से हो रहा है। ये ध्यान रखना, इसका गुणा का मतलब होता है, यानी ब्रैकेट से बाहर कोई संख्या लिखी है और एक संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखी है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कहीं भ्रमित ना हो जाए इसलिए। तो 34 + 12, अब 2 का 8 से करोगे तो 16, माइनस 13 का 4 से करोगे तो 52, प्लस 34 + 12, अब इनको जोड़ो फिर इनको घटाओ, तो 16, 34 और 12 इनको जोड़ना है और 52 को इसमें से घटाना है, ठीक है। तो जोड़ो 16 और 12, ये कितने हो गए, 28 और 34 34, ये कितने हो गए, 4 4 12 3 2 5 और 1 6 62 हो गए। अब 62 में से हमें क्या घटाना है, 52 घटाना है, ठीक है, ये तो हमने जोड़े थे और इसमें से हमें 52 घटाने हैं, तो 2 में से 2 गया तो 0 और 6 में से 5 गया तो 1, तो हमें कितने मिलेंगे, 10। तो x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे बढ़े, आगे हम बात करें, समीकरण हमारा यही है, 2x = 3 माइनस 13x² प्लस 17x + 12। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है x = 3, इस पर हमें मान ज्ञात करना है, तो जहाँ पर भी हमें x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, x - 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, p - 3 बराबर 2 × -3³ माइनस 13 × -3² प्लस 17 × -3 प्लस 12, ठीक है। अब -3³ है तो उसका मतलब कितना है, -3 × -3 × -3, 1 माइनस से दूसरा माइनस का कट गया, अब 1 माइनस का रहेगा तो माइनस तो आएगा ही साथ में, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 × 9 = 27, तो कितने हो जाएंगे, 27, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × -27 माइनस 13 × 9, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 × -3 माइनस कट जाएगा तो प्लस के 9 हो जाएंगे, तो 13 × 9 माइनस 17 का -3 से करोगे तो -17 और प्लस पहले से ही है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसलिए कितने हो जाएंगे, -17 × 3 प्लस 12, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, -27 का 2 से करेंगे तो -54, 13 का 9 से करेंगे तो 13 × 9 = 117, माइनस 17 का 3 से 17 = 51 प्लस 12, अब इनको जोड़ लो और घटा लो, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस वालों को इकट्ठा जोड़ लो, 117, 54 और 51, 7 4 11 और 1 12, ठीक है, 5 10 11 और 1 12 और 1 और 2 कितने हो गए, 222, और इसमें से हमें कितना घटाना है, 12 घटाना है, तो इसमें से 12 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 और 2, यानी -210 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है ना, तो -210 इसका आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, या अभी भी कोई डाउट है, चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। अब हमें x = 0 पर इसका मान निकालना है, तो जो समीकरण है हमारे पास, जो बहुपद है उसमें हम x = 0 रख देंगे और बहुपद का मान निकालेंगे, तो p0 = 2 × 0³ माइनस 13 × 0² प्लस 17 × 0 प्लस 12। अब किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, उसका अगर हम गुणा 0 से करें, ठीक है, किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 से करें तो उसका मान हमेशा 0 ही मिलता है, तो 0 × 2³ जो 2 × 0³ था तो वो 0 हो जाएगा, 13 × 0² था वो भी 0 हो जाएगा, 17 × 0 था वो भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x = 0 पर मान कितना हो जाएगा, 12।
चौथा क्वेश्चन है एक्स बराबर माइनस एक पर, तो एक्स बराबर माइनस एक रख देंगे, पी माइनस वन बराबर दो इंटू माइनस वन की घात तीन माइनस तेरह इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस वन प्लस 12। अब माइनस वन की घात तीन करोगे तो कितना आएगा, माइनस के वन ही आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के दो, और माइनस वन का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस का वन हो जाता है, इसलिए प्लस के वन और माइनस पहले से ही, तो माइनस के 13 माइनस 17 प्लस 12। अब इनको जोड़ लो, 13 और 12 आपस में घटा दें तो माइनस के एक बचेंगे, और 17 और 3 20, तो माइनस के 20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करनी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी दो पी एक और पी जीरो का मान ज्ञात कितना है। तो इसमें भी हमें मान ज्ञात करने हैं प्रत्येक बहुपद के लिए, किस किस पर, x बराबर दो, x बराबर एक और x बराबर जीरो, तभी तो ये बने पी टू पी वन और पी जीरो, यानी x बराबर पहले दो पर निकालना है, फिर एक पर निकालना है, फिर जीरो पर, प्रत्येक समीकरण के लिए। तो एक एक करके सबके लिए निकाल लें, पहले x बराबर दो पर निकालना है, तो हमने पहले समीकरण लिख लिया, समीकरण जो हमारा दिया वो लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही हमें पहला समीकरण दिया है। तो हम पी टू निकालेंगे, यानी एक्स बराबर दो पर, किस पर, एक्स बराबर दो पर, तो इस समीकरण में एक्स बराबर दो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर माइनस के दो प्लस के एक, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार माइनस दो प्लस एक, तो चार में से दो गए दो, दो और एक तीन, तो तीन इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें किस पर निकालना है, पी वन यानी एक्स बराबर वन पर, इसी समीकरण के लिए, तो एक्स की हम वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो वन माइनस वन कट जाएंगे तो क्या बचेगा, वन इसका आंसर हो जाएगा। अब एक्स बराबर जीरो पर निकालना है तो यहाँ पर जीरो रख दो एक्स ही है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने पहले क्वेश्चन के लिए तीनों मान निकाल लिए। इसी तरीके से हमें दूसरे क्वेश्चन के लिए निकालने तीनों मान। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी वाई बराबर वाई प्लस एक इंटू वाई माइनस एक, ये क्वेश्चन है, और इसमें हमें एक्स बराबर दो, एक्स बराबर एक और एक्स बराबर जीरो पर वैल्यू निकालनी है। तो पहले दो के लिए निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, पी टू बराबर वाई की जगह दो रखना है, तो दो प्लस एक इंटू दो माइनस एक, दो प्लस एक तीन हो गए, और दो में से एक गया तो एक बचेगा, और तीन का गुणा जब एक से करेंगे तो तीन ही मान मिलेगा। इसी तरीके से x बराबर वन पर निकालना है इसमें, तो वन प्लस वन इंटू वन माइनस वन, तो वन प्लस वन टू हो गया, लेकिन वन माइनस वन जीरो हो गया, तो जीरो का गुणा किसी से भी करो तो वो जीरो ही वैल्यू आती है। इसी तरीके से जीरो पर निकालना है, तो जीरो प्लस वन इंटू जीरो माइनस वन, जीरो में एक को जोड़ोगे तो एक, और जीरो में से एक घटाओगे तो माइनस के एक, और एक का माइनस एक से करोगे तो माइनस के एक। तो इस तरीके से हमें मान इसके निकालने हैं सभी। इसी तरीके से इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक्स की घात तीन, पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स की घात तीन, तो इसमें एक्स बराबर वन टू और जीरो इन पर निकालना है, तो ये तो एक पद वाला है, तो इसमें तो सिंपल हो जाएगा, एक की घात तीन एक ही मान मिलेगा, दो पर निकालेंगे दो की घात तीन आठ मिलेगा, और अगर जीरो पर मान निकालेंगे तो जीरो की घात तीन जीरो मान मिलेगा। इसका चौथा क्वेश्चन है, पी टी बराबर दो प्लस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी की घात तीन, तो इसमें टी बराबर दो रखना है, तो टी बराबर दो रखोगे तो क्या मिलेगा, दो तो ऐसे ही रहेगा, दो प्लस टी की जगह दो प्लस टी स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर माइनस टी की घात तीन है तो दो की घात तीन, सॉल्व कर लो, दो प्लस दो चार, और चार दो का स्क्वायर भी चार हो गया, माइनस दो की घात तीन है तो आठ, तो आठ में से आठ गए तो जीरो में इसका मान हो जाएगा। अब एक्स बराबर वन पर निकालना है, तो टी की जगह वन रख देंगे इसमें, टी बराबर वन है, दो प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, तो यहाँ से इसका मान मिलेगा तीन। ऐसे ही जीरो पर निकालेंगे तो दो प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो या तीन, तो ये सब जीरो ही हो जाएंगे, तो दो बचेगा सिर्फ इसमें से,
तो इसका मान कितना हो जाएगा, दो। तो इस तरीके से हमें जो बहुपद होंगे उनके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इनके मान हमें इसी तरीके से ज्ञात करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सवालों को करने में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बहुपदों के सम्मुख अंकित मान बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं। शून्यक का मतलब है कि जो बहुपद हमें दिया है उसमें जो x बराबर वैल्यू दी है उनको रख देंगे तो उसका मान हमें शून्य मिल जाएगा। तो ये हमें चेक करनी है, सत्यापित करनी है। इसमें 8 क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन चेक करने हैं। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। तो पहला है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसमें हमें चेक करना है एक्स बराबर वन और माइनस वन पर। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं और चेक कर लेंगे, इसी तरीके से सारे सवालों को चेक करेंगे। तो जो बहुपद दिया वो क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के वन। अब उसने एक्स बराबर वन और माइनस वन पर चेक करवा रहा है कि वो शून्य उसके हैं या नहीं है। तो एक्स बराबर वन की वैल्यू रखेंगे इसमें, एक्स बराबर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन में से बन गया तो जीरो, यानी एक्स बराबर वन इसका शून्य है। दूसरा हमें चेक करना है माइनस वन पर, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के वन आएंगे, और माइनस वन पहले से ही है तो वन माइनस वन जीरो। तो हम कह सकते हैं कि वन और माइनस वन जो बहुपद हमें दिया था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन उसके क्या हैं, ये दोनों शून्य हैं। यही हमें चेक करना था। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन पर हमें चेक करना है माइनस के एक बट्टे दो पर, पी एक्स बराबर बहुपद है दो एक्स प्लस वन, इसमें हमें चेक करना है माइनस के एक बट्टे दो पर। तो x की जगह हम माइनस के एक बटे दो रख देंगे, बराबर दो इंटू माइनस के एक बटे दो प्लस एक, दो से दो कट गया तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस वन, तो ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये भी क्या है, इसका शून्य है। तीसरा है, ये हमें चेक करना है पी एक्स बराबर चार एक्स प्लस पाँच है, और ये हमें x बराबर माइनस के पाँच बटे चार पर चेक करना है। किस पर, माइनस के पाँच बटे चार पर। तो जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है वहाँ पर हम माइनस के पाँच बटे चार रख देंगे, तो पी माइनस के पाँच बटे चार बराबर चार इंटू माइनस के पाँच बटे चार प्लस पाँच, तो चार से चार कट गया, क्या बचेगा, माइनस के पाँच और प्लस के पाँच पहले से ही है तो ये भी जीरो आ गया। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर, और ये हमें चेक करना है एक्स बराबर जीरो पर। तो एक्स बराबर जीरो रख देंगे तो तीन इंटू जीरो का स्क्वायर, तीन का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, शून्य। देखो जनरल सी बात है, शून्य की बात कर रहा है, तो जो बहुपद होंगे उसमें हम जो वैल्यू रखेंगे उस पर उस बहुपद का मान जीरो मिलना चाहिए हमें। तो सभी में जीरो मिल रहा है तो ये सभी इसके क्या होंगे, शून्य होंगे। इसी तरीके से पाँचवा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स माइनस तीन इंटू एक्स प्लस पाँच, और ये हमें चेक करना है एक्स बराबर तीन पर और माइनस के पाँच पर, दोनों पर चेक करना है। तो पहले हम तीन पर चेक कर लेते हैं, पी तीन बराबर तीन माइनस तीन ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में तीन प्लस पाँच, क्योंकि एक्स ये हमें तीन रखना है, तो तीन में से तीन गया तो जीरो, और तीन प्लस पाँच आठ, तो जीरो को गुणा आठ से करोगे तो जीरो मिलेगा, तो इसका मान भी जीरो मिल गया। अब किस पे चेक करना है, माइनस पाँच पर, तो हमें एक्स ये माइनस के पाँच रख देंगे, पी माइनस पाँच बराबर माइनस के पाँच माइनस के तीन इंटू माइनस के पाँच प्लस पाँच, तो माइनस के पाँच प्लस पाँच क्या हो जाएगा, जीरो हो गए कट गए, और माइनस पाँच माइनस तीन माइनस के आठ हो गए, जीरो का माइनस आठ से करोगे तो जीरो, तो ये भी इसके क्या हो गए, शून्य हो गए, तीन और माइनस पाँच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, और ये हमें चेक करना है एक्स बराबर माइनस के बी अपॉन ए पर। तो एक्स ये हम रख देंगे माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पर भी रख दो, एक्स ये ए इंटू माइनस के बी बटे ए प्लस बी, तो ए से ए कट गया, क्या बचा, माइनस के बी, और प्लस के बी पहले से ही है तो माइनस बी प्लस बी जीरो मिल जाएगा।
तो ये भी क्या हो गया इसका, शून्यक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 3x² - k1, और ये हमें चेक करना है माइनस के 1/√3 पर और प्लस के 1/√3 पर, इन दोनों पर चेक करना है कि इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये शून्यक है या नहीं है। तो एक एक करके चेक कर लेंगे। पहले हमने रख दिया माइनस के 1/√3 एक्स की जगह पर, तो पी माइनस के 1/√3 बराबर 3 × −k√3² क्योंकि एक्स स्क्वायर है, माइनस वन है तो माइनस वन। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो होल स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस के 1/√3 × −k√3, माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब अंडूर का गुणा अंडूर से करते हैं तो अंडूर हमारा हट जाता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऊपर एक चल रहा है तो 1/3, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। 3 आ गए तो 3 × 1/3 − 1, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, 1 − 1 = 0, यानी ये इसका शून्यक है। इसी तरीके से प्लस के 1/√3 में चेक करना है, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, शून्यक है। लास्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x + 2, और ये हमें चेक करना है माइनस के 2/3 पर। तो एक्स की जगह हम वैल्यू रख देंगे माइनस के 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस के 2/3 बराबर 3 × −k√3 प्लस के 2, तो 3 से 3 कट गया, माइनस के 2 प्लस के 2 जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस के 2/3 है वो पी एक्स का एक शून्यक है। क्या इसका एक शून्यक है, और यही हमें इसमें चेक करने थे कि इसके शून्यक है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया कि सारे जो बहुपद हमें दिए थे उनके जो शून्यक दिए थे वो उसके शून्यक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, इनके हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो हमें पी एक्स दिया होता है बहुपद, उसको हम 0 के बराबर रख देंगे और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और जो एक्स की वैल्यू होंगी, जो एक्स के मान होंगे, वही क्या होंगे, शून्यक होंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें रेखीय बहुपद दिया है जिसमें एक्स की घात कितनी है, 1 है, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स बराबर क्या दिया है, x − 4, तो उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो जब x − 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो −4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस की 4 हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, x = 4। तो x = 4 यानी 4 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो पी एक्स का शून्यक कितना हो जाएगा, 4 इसका शून्यक हो जाएगा। इस तरीके से हमें चेक करना है सबको। दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 4x, इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे, तो पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x का मान निकालना है तो 4 है वो x के गुणांक में, तो हमें 4 का डिवाइड करना पड़ेगा 0 में। तो 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करो तो वो 0 ही मिलता है, तो इसलिए इस समीकरण का जो व्यंजक है इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पी एक्स बराबर बी एक्स और बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसको भी हम 0 के बराबर रख लेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर बी एक्स बराबर 0 मिल जाएगा, और यहाँ से b का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी पी एक्स का शून्य क्या मिल जाएगा, 0। नेक्स्ट व्यंजक की बात करें, पी एक्स बराबर दिया है x + 3, तो पी एक्स को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x + 3 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस के 3 को उधर ले जाएंगे 0 की तरफ तो −3 हो जाएंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, −3, तो इस व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा, −3। समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर
दो एक्स माइनस के वन, पी एक्स बराबर दो एक्स माइनस के वन, तो इसका भी शून्यक निकालना है, तो इस पी एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे, तो दो एक्स माइनस के वन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस वन को जीरो की तरफ भेज दें तो प्लस के वन हो जाएंगे उधर जाके, और दो का इसमें डिवाइड कर दें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 1/2। तो 1/2 इस शून्य, इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो हमें व्यंजक दिया इसका क्या हो जाएगा, शून्य। और यही हमें चेक करने हैं, इसमें शून्य ही निकालने हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर 3x+7, तो पी एक्स को जब जीरो के बराबर रखेंगे तो 3x+7 भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कि प्लस के साथ को जीरो की तरफ ले जाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -7/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, -7/3। लास्ट क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और सी नॉट इक्वल टू जीरो, और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल्स नंबर हैं, तो हमें इसका शून्य निकालना है। तो जो व्यंजक हमें दिया है उसको जीरो के बराबर रखेंगे तो सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। डी को जीरो की तरफ ले जाओ तो माइनस के डी हो जाएंगे, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सी का क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा डी में, तो शून्य क्या आ जाएगा इसका, -D/C। देखिए जब हम शून्य की बात करते हैं तो शून्य में हम हमेशा जो समीकरण हमें दिया होगा, जो बहुपद हमें दिया होगा, उसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी जिसमें हमें व्यंजक दिया है, बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल्स दिया है, जिस चर राशि में, उस चर राशि का मान हम निकालते हैं, ठीक है, उस पूरे व्यंजक को जीरो के बराबर रख करके, यही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा हो, सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।